देश में नया कानून लागू होने को लेकर क्या कहा सीएम मोहन यादव ने। देश में नया कानून लागू होने को लेकर सीएम मोहन यादव ने अपने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश और राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। अंग्रेजों के समय जो तीन बड़े अधिनियम चल रहे थे उनको बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। मैं इस कर्तव्य को कल विधानसभा में देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ इसे यहाँ लागू करने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज से प्रदेश में चेक पोस्ट बंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में टोल पोस्ट और अवैध वसूली को रोकने का काम किया जाएगा और हमारी सरकार सदैव संवेदनशील मुद्दों पर काम करती है। पूरे देश के लिए और खास करके मध्य प्रदेश के लिए और कई राज्यों के लिए एक अलग प्रकार का दिन है। जब हमारे अपने न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेज के काल से चले आए थे उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। विस्तार से मैं वक्तव्य अपना कल विधानसभा में देने वाला हूँ, जिनके माध्यम से इसमें न्यायालय खास करके अपराध संहिता IPC 1860 साक्ष्य अधिनियम और अन्य CRPC ये साथ जो बदले गए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। एक और ये जो टोल नाके पे अवैध वसूली जो होती थी हमारी सरकार उसके मामले में भी गंभीर है और हमने आज 1 जुलाई से प्रदेश के 40 ही टोल नाकों पर अवैध वसूली के खिलाफ जो राजस्व का हमारा अमला उसको तैनात किया है। रेवेन्यू अमले के साथ साथ हमारा RTO डिपार्टमेंट भी जो हमारे टोल बैरियर है उस टोल बैरियर के माध्यम से वैधानिक व्यवस्थाओं के लिए कृत संकल्पित है। सरकार ऐसे सभी संवेदनशील मामलों में लगातार कार्रवाई करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से खासकर प्रदेश की जनता को यह आश्वासन है कि सरकार कानून के हिसाब से चलेगी, व्यवस्थाओं का पालन करेगी और भारत सरकार के साथ मिलकर लगातार जनहितैषी योजनाओं को लागू करने में एक क्षण की देर नहीं करेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार।